चलिए दोस्तों, अब हम बिहार की ओर बढ़ते चल रहे हैं। इससे पहले मेरे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियो को लाइक भी कर दें, डिसलाइक नहीं, लाइक कर दो भाई, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत हो, और एक अच्छी कॉमेंट लिख दो। तो चलिए आप बढ़ते हैं। हमारे गांव में मतलब बिहार में जैसे वहाँ पे अभी शादी हो रहा है तो किसी के पास दो बेटियाँ हैं, एक बेटी, किसी के पास तीन, तो भाई अब उसके पास तो ना पैसा ना हो, उसका मतलब पैसा ना होने के कारण आप तो समझ सकते हो, पैसा के बिना आजकल के दुनिया में कुछ है नहीं। तो उसके पास तो अभी खाने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास बेटियां होती है। अब इनका जब ये लोग जवान तो इसको शादी करनी होती है, जैसे जैसे हम शादी करेंगे अपनी बहन मतलब शादी करेंगे तो गाय शादी कर शादी अब बता दें आपको शादी, ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अच्छी अच्छी से रिश्ता यानी अच्छा में कोई चीज़ अपनी बेटी को अच्छा सुख समृद्धि खुशी से रखने चाहते हैं तो खुशी तो इसी खुशी बात करेंगे आज। तब खुश रखने के लिए उसको अच्छा घर देखना होगा, अच्छा परिवार देखना होगा। अब चलते हैं हम अच्छे परिवार की तरफ। तो अच्छे परिवार में क्या होता है दोस्तों कि वो पैसा मांगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जैसा जिसका हैसियत हो, तो ऐसे तो 1 लाख 2 लाख पैसे देने के लिए कोई बात नहीं, प्लस उनको तो पैसा मिल रहा है, अब बेटे वाले को तो पैसा मिल रहा है, और बेटी वाले जैसे अब ये पैसे देंगे ज्यादा नहीं, बस 1 लाख ही थी। अब बताओ इनको शादी में खर्चा कितना है? खर्चा यही होगा दोस्तों कि घर पे कम से कम अब के जमाने में डीजे, खाना पीना, टेंट वगैरह ये तो सब करते ही है, तो इसको अगर हम थोड़े से कम मतलब मीडियम से मीडियम खर्चा करना चाहें तो ही हमें 1 लाख रुपये तक लगेगा। अब 1 लाख रुपये लेंगे, 1 लाख रुपये में अब 5 लाख या 10 लाख जितना भी हो उतना, 10 लाख तो नहीं बट मान लो 2 लाख ही, हाँ 2 लाख थी, उसको प्लस में गहना वगैरह जो होता है मतलब ये बोले कि उनको कम से कम 7-8 लाख रुपये तक लगेगा। अब बताइए जिनके पास 3 बेटियां हैं तो 1 बेटी में 8 लाख रुपया, एक बेटी में 8 लाख रुपया लगा तो उनके पास 3 विचार करना चाहिए कि हमें दहेज को हटाना है, हमें तो भाई उस नाम से नफरत है। तो ऐसे में बता दें कि दहेज को हम लोग मिल के इकट्ठा होके एकत्रित होके उसे जागृत करें कि हाँ दहेज प्रथा बल होना चाहिए, एकता में बल है। तो हम लोग जब एकता नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, सब लोग समझदार नहीं होंगे, तब तक दहेज बंद नहीं होगा। अब सरकार भी क्या करे, वो तो अपने ऐलान कर दिए, जो माने ना माने, अब कैसे जो देने वाले भी होते, कोई अमीर लोग होते हैं जो खुशी से अपने बेटे को देने जाते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं। अब बताइए अब ऐसी शादी होगा फिर वहाँ पर जाएंगे, अब ऐसे हाँ यार ऐसे वैसे मतलब अजीब सा फीलिंग हो रहा है। तो भाई
और आप सोचो अगर आपके पास 24 लाख रुपया नहीं है तो आप क्या करोगे? 3 बहन है और 24 लाख रुपया नहीं है तो आप क्या करोगे? और 24 लाख होता है कि थोड़ा छोट छोट मतलब एक दो साल जैसे छोट मान लिया जाए 3 बेटियाँ तो मतलब हम मान लेते हैं 1 साल बीच करके हम शादी करेंगे फिर भी पैसा तो उतना आता ही है 8 लाख रुपये रहेगा फिर आपको कर्जा नहीं चला जाएगा फिर 8 लाख हुआ 16 लाख रुपया हुआ उसका मतलब ब्याज सूद वगैरह जो होता है मतलब वो तो होता ही रहेगा। अब जो अब इतना मतलब हम लोग कर्जा लिए अब कर्जा लेके आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो आगे बढ़ नहीं सकते अब जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए हमें कमाना होगा हम कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे फिर 24 लाख रुपया मेरे भाई 24 लाख एक तो 24 लाख कमाने के लिए गांव में जरा जरा 1 महीने का वो 10,000 रुपये कमाते हैं चाहे 15,000 20,000 मान लिया 25,000 चलिए 25,000 तो अब इस पे महीने महीने 25 लाख और उसका सूद ब्याज मतलब जो होता है वैसे तो बढ़ते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए हमें पूरा दिमाग खराब हो जाता है भाई। अब इस एक गलती से हम लोग मतलब कितना पिछड़ा हो जाते हैं। आप थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।